Hey, what's up, guys? आपका स्वागत है BI में। इस साल की पहली उड़े में मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ एप्पल मैकबुक प्रो, वो भी कार्डबोर्ड से। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले उसके लिए बेल आइकन को भी दबा दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लैपटॉप बनाने के लिए मैं दो कार्डबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। लैपटॉप की साइज साइड में दी गई है। ज़्यादा थिकनेस वाले कार्डबोर्ड को मैं कीबोर्ड के लिए यूज़ करूँगा, और पतले थिकनेस वाले कार्डबोर्ड को मैं डिस्प्ले के लिए यूज़ करूँगा। कीबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले लगा सके इसके लिए मैं कार्डबोर्ड के ऊपर की साइड एक पेंसिल से हिंज बनाऊंगा, और डिस्प्ले को खोलने के लिए मैं कार्डबोर्ड के नीचे की साइड एक ग्रू बनाऊंगा, और कार्डबोर्ड के चारों साइड में मैं एक राउंड शेप बना दूंगा। इस तरह कार्डबोर्ड में मैंने हिंज और ग्रू का एक शेप बनाया है, जिसे मैं कटर से काट लूंगा। कटर से मैंने हिंज और ग्रू की जगह काट ली है। वैसे मैंने कार्डबोर्ड की चारों साइड में राउंड शेप बना दिया है। अब बनाएंगे लैपटॉप की ऊपर की साइड, मतलब कि डिस्प्ले की साइड, जिसकी बैक साइड बनाने के लिए मैं लाइट ग्रे कलरिंग पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा लैपटॉप सिल्वर कलर का है, इसके लिए मैं लाइट ग्रे पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। पेपर को मैं बैक साइड में चिपका दूंगा। इस तरह मैंने बैक साइड में पेपर चिपका दिया है। फ्रंट साइड बनाने के लिए मैं ब्लैक पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। ब्लैक पेपर को भी मैं फ्रंट साइड में चिपका दूंगा। फ्रंट साइड में मैंने ब्लैक पेपर चिपका दिया है। वैसे ही मैंने डिस्प्ले की चारों साइड में ग्रे पेपर की पट्टियाँ चिपका दी है। अब बनाएंगे लोगो। लोगो बनाने के लिए मैं सिल्वर पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। सिल्वर पेपर पे लोगो ड्रॉ करने के लिए मैं ब्लू पेन का यूज़ करूँगा। आपको लोगो ड्रॉ करना नहीं आता हो तो आप फोटो देख करके भी लोगो ड्रॉ कर सकते हो। लोगो ड्रॉ करने के बाद उसे मैं काट लूँगा। लोगो को काटने के बाद लोगो को मैं डिस्प्ले की बैक साइड में सेंटर में अंदर की साइड ग्लू से चिपका दूंगा। लोगो को मैंने डिस्प्ले की बैक साइड में चिपका दिया है। सिल्वर लोगो होने के कारण बैक साइड हमारी ओरिजिनल जैसी दिखाई दे रही है। अब बनाएंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले बनाने के लिए मैं वाइट पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। वाइट पेपर पर मैं डिस्प्ले की एक शेप बनाऊंगा। शेप ड्रॉ करने के लिए मैं पेंसिल का यूज़ करूंगा। व्हाइट पेपर पे डिस्प्ले की शेप बनाने के बाद उस पर मैं पेंसिल से एक वॉलपेपर ड्रॉ करूंगा। वॉलपेपर ड्रॉ करने के बाद उस पर मैं पेंट करूंगा। आप कोई भी कलर का यूज करके वॉलपेपर बना सकते हो। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। पेंट करने के बाद डिस्प्ले तैयार है। डिस्प्ले को मैं फ्रंट साइड में ग्लू से चिपका दूंगा। डिस्प्ले को मैंने फ्रंट साइड में चिपका दिया है। व्हाइट पेपर के सर्कल से मैंने फ्रंट कैमरा बनाया है। फ्रंट कैमरे को डार्क ब्लू बनाने के लिए मैं ब्लू पेन का यूज़ कर रहा हूँ। डार्क ब्लू बनाने के बाद फ्रंट कैमरा भी तैयार है। डिस्प्ले के नीचे मैकबुक प्रो का लोगो बनाने के लिए मैं सिल्वर पेन का यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह सिल्वर पेन से मैंने मैकबुक प्रो का लोगो बनाया है। अब बनाएंगे लैपटॉप की नीचे की साइड। नीचे की साइड में ज़्यादा थिकनेस के लिए मैं कार्डबोर्ड की एक लेयर चिपका रहा हूँ।
कार्डबोर्ड की लेयर चिपकाने के बाद लेयर के ऊपर की साइड हिंज की जगह को भी मैंने कटर से काट लिया है। अब बनाएंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड बनाने के लिए मैं लाइट ग्रे पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। ब्लैक पेपर से मैंने कीबोर्ड की बटन्स बनाया है। सभी बटन्स को मैंने कीबोर्ड की शेप के हिसाब से ग्लू से पेपर पे चिपका दिया है। बटन्स के ऊपर नंबर और अल्फाबेट ड्रॉ करने के लिए मैं सिल्वर पेन का यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह सभी बटन्स पे मैंने नंबर और अल्फाबेट ड्रॉ कर दिए है। अब बनाएंगे टच बार। टच बार बनाने के लिए मैंने वाइट पेपर की एक पट्टी ली है जिस पे मैंने कलर केच पेन से छोटे छोटे डब्बे बनाए है। टच बार को कीबोर्ड के ऊपर की साइड ब्लैक पट्टी में मैं ग्लू से चिपका दूंगा इस तरह। वैसे लाइट ग्रे पेपर से मैंने टच ट्रैक पैड बनाया है जिसे मैं कीबोर्ड के नीचे ग्लू से चिपका दूंगा। वैसे ग्रे पेपर से छोटी छोटी पट्टियों पे ब्लैक पेन के डॉट से मैंने स्पीकर बनाया है। कीबोर्ड के दोनों साइड में स्पीकर को भी चिपका दूंगा। चिपकाने के बाद कीबोर्ड तैयार है। कीबोर्ड की ऊपर की साइड और नीचे की साइड हिंज और ग्रू की जगह को मैंने काट लिया है। कीबोर्ड को मैं कार्डबोर्ड पे ग्लू से चिपका दूंगा। इस तरह कीबोर्ड को मैंने कार्डबोर्ड पे चिपका दिया है। कीबोर्ड की बैक साइड में मैं लाइट ग्रे पेपर को चिपका दूंगा। पेपर चिपकाने के बाद कीबोर्ड की साइड बनाने के लिए मैं कीबोर्ड की थिकनेस के हिसाब से मैंने ग्रे पेपर से 4-5 पट्टियां काटी है। जिन्हें मैं ग्लू से कीबोर्ड की साइड में कुछ इस तरह चिपका दूंगा। वैसे कीबोर्ड की चारों साइड में मैंने पट्टियां चिपका दी है। अब बनाएंगे हिंज। हिंज बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड की एक पट्टी ली है जिसपे हिंज की शेप बनाने के लिए मैं पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। हिंज ड्रॉ करने के बाद तीनों लाइनों के अंदर की लाइन को हमें कटर से काट लेना है। पूरा नहीं काटना है, सिर्फ अंदर की लाइन का कार्डबोर्ड को निकाल लेना है इस तरह। हिंज के एक साइड को कीबोर्ड की ऊपर की साइड इस तरह चिपका देना है। एक साइड पे पहले हम थोड़ा ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद हिंज को मैं कीबोर्ड के ऊपर की साइड चिपका दूंगा इस तरह। हिंज की दूसरी साइड भी हम थोड़ा ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद हिंज के दूसरे साइड में डिस्प्ले को मैं चिपका दूंगा। डिस्प्ले चिपकाने के बाद हिंज के अंदर की साइड मैंने ब्लैक टेप चिपका दिया है। वैसे हिंज की दूसरी साइड मैंने ब्लैक पेंट कर दिया है। वैसे लैपटॉप के बॉटम की साइड बॉटम रबर्स बनाने के लिए मैंने ब्लैक पेपर से छोटे छोटे 4 सर्कल बनाए हैं। चारों सर्कल्स को मैं लैपटॉप की बॉटम में कॉर्नर्स पर चिपका दूंगा। वैसे ब्लैक पेपर से मैंने टाइप सी पोर्ट और हेडफोन जैक बनाया है। तो फाइनली हमारा लैपटॉप तैयार है।